नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग। ये रीडिंग होगी जुलाई के 1 तारीख से लेके 31 जुलाई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देख लेंगे आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी कैसे रहने वाली है। पूरे महीने आपका एनर्जी ओवरऑल कैसे रहने वाला है। जेमिनी यानी मिथुन राशि, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पूरे महीने आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे, परिवार के साथ वक्त बिताओगे, परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए सोचोगे। जो कुछ भी आप करोगे पूरे महीने अपने परिवार को मद्देनजर रखते हुए, परिवार के बात अपने ध्यान में रखते हुए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए आप सोचोगे, सबको एक साथ मिल के रहने के लिए सोचोगे, मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, परिवार को जोड़ के रखने के लिए सोचोगे और परिवार के साथ रहने के बारे में सोचोगे। अभी देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी देख लेते हैं। जमीनाई यानी मिथुन राशि, पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। जमीनाई यानी मिथुन राशि, पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी देखते हैं। जमीनाई यानी मिथुन राशि, आपके पास्ट की एनर्जी द मैजिशियन का। पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे, आपको लग रहा था कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आपको ये बिलीव था, आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपको लग रहा था कि आपने जितना मेहनत किया है, जितना नॉलेज, जितना मेहनत, जितना अच्छे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपके पास वो सारे ताकत है, जो आप चाहो वो कर सकते हो। हो सकता है आप थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो गए थे, आप किसी से भी कुछ भी करवाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि आपके पास ताकत, पावर, फेथ, हिम्मत सब कुछ था। इसीलिए आप खुद को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह सोच रहे थे। अभी देखते हैं द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, आपको तो क्यों लग रहा था कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। देखते हैं द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। पास्ट में आपकी इस तरह की एनर्जी क्यों थी। एस ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है पास्ट में आपने किसी नई काम का शुरुआत किया था। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स जरूर किया था। 7 ऑफ कप्स, पास्ट में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था किसी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब, रिश्ता, बिजनेस, कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में आपके पास पास्ट में बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन आपने उस ऑप्शन से चूज करके अपने लिए जो सही समझा, कोई एक काम के नई शुरुआत आपने किए होंगे, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, ओवरऑल मंथ की रीडिंग है, तो किसी भी क्षेत्र में आपने बहुत सारे ऑप्शन के होते हुए भी समझदारी से किसी एक ऑप्शन को चुना और किसी काम का नई शुरुआत आपने जरूर किया होगा। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपके कैसे एनर्जी है। जेमिनी यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। जेमिनी यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का, प्रेजेंट में आप बहुत स्टेबल हो। एक जैसा मैंने कहा कि पास्ट में आपने किसी काम का नई शुरुआत किया था,
तो प्रेजेंट में आप उसी एनर्जी में हो, आप अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, जो काम आपने शुरू किया था हो सकता है उसके चलते आप में थोड़ा सा अहंकार भी आया है, आपको ये लग रहा है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, और अभी आप अपने धुन में हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी कामयाबी, अपनी इज्जत, सब कुछ जो आपको अच्छा लगता है आप अभी अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आपने पैसों में भी बहुत ज़्यादा तरक्की किया है आपने, और आपने जो भी किया है वो आप अपने मेहनत से किया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग मतलब राजा, अभी आप अपने लाइफ को, खुद को अपने एक राजा की तरह जीने की बारे में सोच रहे हो। देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, क्योंकि मुझे लगता है प्रेजेंट में आप थोड़ा दुखी थे कुछ दिन पहले या फिर अभी, आप जितना भी आपने सहा है उसके चलते आप मेहनत करके उस चीज़ों को आपने इकट्ठा किया है। हो सकता है आप अपने परिवार से दूर थे इसीलिए आप परिवार को पाना चाहते थे, हो सकता है आप अपने परिवार से कुछ दिनों के लिए बिछड़ गए थे या फिर दूर थे, तो आपको अभी अपना परिवार मिला है, पैसा मिला है, घर मिला है, इसीलिए आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस मिला है, और आप अपने धुन में हो क्योंकि आपको ये पता है जो कुछ भी आपको मिला है ये सारा चीज़ आपको अपने मेहनत के बल पे मिला है, किसी की मदद से नहीं, किसी की दया से नहीं, इसीलिए आप अभी खुश हो और अपने आप में मस्त हो, और आपको ये लग रहा है कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने कि कुछ गलतियाँ कर दिए थे जिसके कारण से आपको कुछ दुखी रहना पड़ा, कुछ कष्ट उठाएं, तो अभी आपको अपने परिवार के साथ भी मिला है, मेहनत का फल भी मिला है, पैसा भी मिला है, और उसके कारण से आपको ये लग रहा है कि आपको जस्टिस मिल गया है। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाले हैं, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाले हैं, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाले हैं, देख लेते हैं कि फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाले हैं। हाई प्रिस्टस, फ्यूचर में भी आप इतना ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, इतना ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे कि आपको लोगों को देखते ही आप पता कर सकते हो, कर लोगे कि सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने पूरे जो परिश्रम आप कर रहे हो पास्ट से लेके प्रेजेंट फ्यूचर तक, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलना तो ज़रूरी है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, और फ्यूचर में आप इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग मतलब खुद पर कंट्रोल करना, आप ज़्यादा बहकोगे नहीं, समझदारी से चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे, और अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सीख जाओगे, और सामने वाला क्या कहना चाहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो जाओगे। देखते हैं द हाई प्रिस्टस एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह फ्यूचर में आप बिहेव करोगे। देखते हैं हाई प्रिस्टस के कार्ड्स क्यों आए हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, ये होना ही है क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कोई आपके तरफ प्यार लेके आए, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन प्यार के बारे में बोलना ही पड़ता है जब कप्स का कार्ड आता है, तो फ्यूचर में आप अपना इमोशन खुद कंट्रोल करोगे, लेकिन कोई आपके तरफ प्यार लेके आ सकता है, कोई एक कंप्लीट पैकेज जो ब्रेड अर्नर होगा इस तरह का कोई आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर आप किसी इस तरह किसी इंसान के खोज में रहोगे, या फिर आप खुद इस तरह बन जाओगे कि आप पूरी तरह से पैसों से, दिमाग से, मेहनत से अपने परिवार को चला पाओ, और आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेगी,
आप थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी चले जाओगे। फ्यूचर में आप एक जिसे बोलते हैं कंप्लीट पैकेज बन जाओगे। आप प्यार को चाहोगे लेकिन ओवरफ्लो नहीं करने दोगे। कोई अगर आपके तरफ प्यार लेके आता है तो वेल एंड गुड, कोई आएगा भी। कोई ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो आपके फैमिली को जोड़ के रख सकता है। आपके फैमिली के ब्रेड अर्नर होंगे, नॉट ओनली ब्रेड अर्नर, उनके पास पैसा होगा, उनके पास स्टेबिलिटी होगी और आपके पास भी सब कुछ होगा। और आपको लगेगा ये जो कुछ मुझे मिल रहा है ये मुझे मेहनत से मिला है और गॉड की ब्लेसिंग से मिला है। कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है और जो आप खुद ही महसूस करने लगोगे कि ये मुझे मिलना था, ये मेरे हक है, इसका मैं हकदार हूँ, क्योंकि मैंने इतना मेहनत जो किया है खुद पर, इतना श्रम जो किया है, परिश्रम जो किया है, ये पैसा मुझे मिलने वाला है, ये इंसान मुझे मिलने वाला है, ये प्यार मुझे मिलने वाला है, परिवार मुझे मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत किया है। फ्यूचर में आपका नेचर इस तरह का हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी फ्यूचर होने वाली है आपका इस मंथ के एंड तक। अभी देखते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है। हर्मिट, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स से आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा प्यार में है, आपका इमोशन अगर ओवरफ्लो हो रहा है, तो अपना इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, रुकिए, चीज़ों को सोचिए, देखिए। जैसा कि आप कर भी रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव हो गए हो जाओगे मंथ के एंड तक। अगर आप पहले से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे चीज़ों को कीजिए, साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जो भी आप करना चाहते हो वो बहुत अच्छे से आप तभी कर पाओगे अगर आप चीज़ों को धीरे से एग्जीक्यूट करने के लिए सोचोगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कोई काम नहीं होगा। जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप चीज़ों को कर रहे थे, उस तरह से आप चीज़ों को आगे ले जाओ। और अपने जो प्यार, जो इमोशन, अगर कोई आपके तरफ प्यार लेके आ रहा है, कोई प्यार दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो और खुद भी उस प्यार को अपने लाइफ में आने दो और खुद भी इजहार करो कि आप भी किसी से प्यार करते हो। क्योंकि परिवार, प्यार, पैसा, इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हो। अगर ये आपको मिल रहा है तो आप इसको प्यार से एक्सेप्ट कीजिए। जितना मेहनत आपने किया है उसका परिणाम आपको मिल रहा है, तो आप खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और अपना इमोशन को बहुत सहज तरीके से एक्टिवेट कीजिए। इमोशन को दिखाइए, इमोशन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्यार कर रहे हो तो उसको बताइए। हालांकि आप कंट्रोलिंग नेचर में हो, अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जो मिलना होता है, आपने जितना मेहनत किया है उसके अनुसार गॉड की तरफ से आपको ये सारा चीज़ मिल रहा है, तो खुशी खुशी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।